चीन और अमेरिका के बीच लंबे समय से ट्रेड वॉर चल रहा है। आर्थिक मोर्चे पर दोनों देशों के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से चीन पर हमला बोला है। दरअसल चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति पर चिंता जताते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बता दिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन के साथ एक मंच पर मौजूद ट्रंप ने कहा, चीन दुनिया की शांति के लिए खतरा है। वो अपनी ताकत इतनी तेजी से बढ़ा रहे हैं जितनी तेजी से दुनिया की कोई दूसरी ताकत नहीं कर रही है, और इसके लिए वो अमेरिका के पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक दोनों देश एक व्यापार समझौते के बेहद करीब थे। उन्होंने कहा कि हमने बड़ी सावधानी से काम किया, बौद्धिक संपदा अधिकार पर बात हुई, सभी विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा हुई, और तभी अंतिम क्षण में उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे पर सहमत नहीं हो सकते हैं।